ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਏ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਨੀਤਾ ਮਹਾਜਨ, ਮੈਨੇਜਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸੁਨੀਤਾ ਮਹਾਜਨ, ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਰੋਨ ਸਕਿਨ ਹੇਅਰ ਕਲੀਨਿਕ। मुझे इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड मिला है सोनू सूद जी से। दिल्ली में प्रोग्राम हुआ था। मुझे अवार्ड इसलिए मिला है कि हम लोग थोड़ा हट के काम करते हैं। हम केमिकल फ्री, पैराबिन फ्री और वेगन प्रोडक्ट्स बनाते हैं और अपना ही प्रोडक्ट जो भी करते हैं हम वेगन प्रोडक्ट्स करते हैं। तो मुझे 173 लोगों में से नॉमिनेट किया गया था। टॉप सिक्स में आने के बाद मुझे कॉल आया था कि आपको मैम नॉमिनेट किया गया है, टॉप सिक्स में है, आपको अवार्ड दिया जाएगा। तो दिल्ली गए थे हम लोग, सोनू सूद जी से मिले, उन्होंने अवार्ड दिया। कौन सिक्स में से क्या पोजीशन लगी आपकी? फर्स्ट थी तभी अवार्ड मिला। कितने साल का एक्सपीरियंस आपका? 13 साल हो गए मुझे इस लाइन में। और स्पेशलिस्ट क्या है? मैं स्किन स्पेशलिस्ट हूँ। और शहर में वो कौन सा प्रोडक्ट है जो आपके पास नहीं? जो शहर में प्रोडक्ट है मेरे पास वो प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि हम लोग वो प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं जो बाकी लोग करते हैं। हमारा काम ही उनसे डिफरेंट है, क्योंकि हम केमिकल्स नहीं यूज़ करते हैं, हम बिना केमिकल के ही लोगों को ठीक करते हैं। जो स्किन के लिए आपके पास जो आपने बोला कि नया मेरे पास है, हाँ जी, वो लेज़र मैंने लॉन्च किया है लास्ट मंथ में। वो जर्मन टेक्नोलॉजी है, ट्रिपल वेवलेंथ है, वो अमृतसर में सिर्फ हमारे पास है। शहरवासियों को क्या संदेश? शहरवासियों को यही संदेश देना चाहूँगी कि केमिकल से हट के ऑर्गेनिक पे आएं और अपनी स्किन को ठीक रखें। जो आपके सैलून वाले जो आपके जितने भी आपकी लाइन के उनको वो मैसेज क्या है? देखो, मैं अपना कंपटीशन किसी को मानती नहीं, क्योंकि मेरा काम बहुत अलग है। वो लोग केमिकल्स पे काम करते हैं, मैं केमिकल के बिना काम करती हूँ। मेरा फ़िलहाल इस लाइन में कोई कंपटीशन है नहीं है। मैं अमृतसर में थोड़ा अलग काम कर रही हूँ। मेरा बहुत एक छोटा सा अच्छा सा परिवार बना हुआ है। 200-250 बहुत अच्छे रेगुलर क्लाइंट्स हैं जो आके अपने ट्रीटमेंट्स कराते हैं, पूरा मेरे पे फेथ करते हैं। मैं उनको भी यही बोलती हूँ कि आप मेरा छोटा सा परिवार हो। मैंने उनको कभी क्लाइंट्स की तरह ट्रीट ही नहीं किया। रेट को लेके मीडियम फैमिली ऐसे? हाँ, सब अफोर्ड कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। इस अवार्ड को लेके आपने कैसे अप्लाई किया, कितनी मेहनत लगी इस अवार्ड को पाने को? देखो, हमने पहले उनको अपने प्रोडक्ट भेजे थे जो 50-60,000 रुपीज़ के प्रोडक्ट्स थे। तो वो लोग इनके स्टिकर्स को उतार के डिकोडिंग करते हैं। तो कोडिंग होती है, क्लाइंट को नहीं पता होता है वो क्या यूज़ कर रहा है। तो क्लाइंट से रिव्यूज़ दिए जाते हैं, फिर वहाँ पे व्यूवर्स को बुलाया जाता है, वो हमारे बारे में बताते हैं कि हमें इनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगे। तो ऐसे ही धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचे। 13 साल लग गए, बहुत मेहनत की करी है। कैसा एक्सपीरियंस है 13 सालों से अब तक के ये अवार्ड अचीवमेंट का? सोनू सूद जी से अवार्ड मिलना तो आप समझ ही सकते हो, और वो भी मतलब इतने अच्छे इंसान, इतने हम्बल। स्टेज पे उन्होंने इतनी तारीफ करी, मैंने उनको अपने प्रोडक्ट्स का गिफ्ट बॉक्स भी गिफ्ट किया। उन्होंने बोला मैं यूज़ करूँगा, मैं आपको टैग करूँगा। हाँ जी।